हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि वॉल में किस तरह से अपन को फिटिंग करना है, झीरी करना है, किस तरह से ड्रिल मशीन, कटर मशीन चलाते हैं, ये सब जानकारी ए टू जेड आज मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप अपन ये काम करेंगे। जैसे कि अपन ये झीरी किस तरह से अपन करते हैं, ये सब आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आज। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको समझाऊंगा, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो का। दोस्तों, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, मेरा काम आपको अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं झीरी करना। अपन सबसे पहले अपन बोर्ड कटिंग करते हैं, ये देखिए कैसे करने हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जो मैंने कटिंग किया है ड्रिल मशीन से, उसको कैसे निकालना है, बड़ी आसानी से कैसे निकलती है। चलिए मैं सबसे पहले बोर्ड के पास की कटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कटिंग करने से अपना ये आसान रहता है कि जल्दी से आसानी से अपन कटिंग कर सकते हैं। अब जो ये वाली कटिंग होती है, इसको अपन को नीचे से हमेशा काटना है। नीचे से काटने में क्या होता है, अपन जैसे ही ऊपर हथौड़ी मारते हैं, नीचे से गिर जाता है। ये देखिए कैसे गिरता है आसानी से। यहाँ से जस्ट उतार के यहाँ पे एक अपन बोर्ड लगा देंगे, ताकि जब भी कोई नहाने के अंदर जाए, बाथरूम के अंदर जाए, उसके बाद में उसकी साइड में राइट हैंड में ये अपना स्विच बोर्ड रहेगा। यहाँ पे अपन ऑन ऑफ करके अंदर जाके एंटर कर सकते हैं। और दोस्तों, आजकल हर जगह पर एक नहारी में भी बोर्ड अंदर देना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कटिंग की हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूँगा कि जो इस साइड बाहर, ये जो बाहर से मैंने कटिंग किया है, यहाँ पे एक होल मारूंगा, तो जस्ट जो पीछे मैंने कटिंग की है वहाँ भी एक बोर्ड लग जाएगा। जिसकी वजह से जैसे ना अपन को पानी गर्म करने का रॉड है या वॉशिंग मशीन है, इसके लिए यहाँ पे एक स्विच सॉकेट का होना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो यहाँ भी अपन को एक पॉइंट देना है। तो दोस्तों यहाँ से पॉइंट हो जाएगा और वायर अपन यहाँ से निकल के यहाँ पे इस तरह से पाइप में चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से कनेक्शन कहाँ से आएगा, इसके लिए मैंने ये छेर काटी हुई है यहाँ से ऐसे। यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगेगा, 8 मॉडलर या 12 मॉडलर का। यहाँ से सीधे देखिए आपके सीधा गया है ऊपर और ये पाइप दिख रहा है आपको, यहाँ से सीधे कनेक्शन आएगा इस बोर्ड में, इस बोर्ड से कनेक्शन जाएगा यहाँ पर और वहाँ से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ देखिए एक बोर्ड यहाँ से उतरा हुआ है, तो यहाँ पे एक अपन डिब्बी निकाल देंगे ये पाइप से, और यहाँ पर एक बैंड लगा के सीधे रैक के पीछे से होल मार के यहाँ पर एक बोर्ड लगा देंगे। दोस्तों बोर्ड हमेशा साइड में रहेगा, जैसे कि ये देखिए दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा जैसे ही यहाँ से ओपन होगा, जैसे ही दरवाज़ा ओपन होगा बाजू में ये बोर्ड मिल जाएगा, ताकि इंसान आगे जाके गिरे ना, उससे पहले ही उसका हाथ बोर्ड में आ जाए और वो ऑन ऑफ कर सके। यहाँ पे फैन बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे डिब्बी लगी हुई है छोटी छोटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस तरह से उतारना है। और दोस्तों बैंड वहीं पर उतारना है सीलिंग से, जहाँ पे अपन को बोर्ड देना है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे एक पाइप उतरा हुआ है, यहाँ से सीधा इस तरह से कटिंग करते हुए अपन को यहाँ पे 12 मॉडलर का बोर्ड लगा देना है। दोस्तों ये कटिंग मैंने कर दिया है। इस तरह से अपन कटिंग करते हैं, झीरी करते हैं वॉल की। और एक चीज़ ध्यान रखना होता है, सीधी सीधे में तो कोई दिक्कत नहीं जाती है, और जो साइड की होती है, जो इस तरह से तिरछा जाती है वर्टिकल में, उसमें क्या करना है दोस्तों, काटने के एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको कम मेहनत पड़ेगी। ये जो ईंट होती है, ईंट के कभी इस तरह से अपन को यहाँ से बीचों बीच अपन को कटिंग नहीं करनी है। कोई भी ईंट पकड़ लीजिए आप, उसका आधा हिस्सा पकड़िए और आधे हिस्से में पूरी ब्लेड चला दीजिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप जैसे ही ठोकर मारोगे, आसानी से ये वाला भाग इतना टूट के गिर जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये गैलरी है, ये जैसे पहले बनी हुई थी उसके सीधे, और ये इतनी गैलरी बनी है। तो गैलरी में भी अपन को ये जो ऊपर पॉइंट 3 है, 2-3 बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ से ये मैंने बैंड उतारा है, तो यहाँ से सीधा अपन उतार के यहाँ पे एक बोर्ड लगा देंगे। और यहीं सीलिंग से जो अंदर कमरा बना था, उस ये जो अंदर कमरा बना था,
यहाँ से जो पाइप आएगा इसी से हम मेन वायर ले आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो डिब्बियाँ लगी हुई हैं सीलिंग में बाहर से, ये इसकी डिब्बियों का कनेक्शन सीधे मैंने इस बोर्ड बैंड से उतारा है, और ये बैंड सीधे में थोड़ा सा तिरछा कटिंग करके, क्योंकि बोर्ड ये अपन यहाँ को नहीं, यहाँ पर नहीं लगाना, साइड में जस्ट थोड़ा दूर लगाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ से सीधा तिरछा मार दिया है। कोई बैंड कोई डिब्बी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप इस तरह से एक पाइप लगा सकते हैं, 6 या 8 मॉडलर का यहाँ पर बोर्ड लग जाएगा।